तो हम कर रहे हैं CAF 7 2022 सितंबर का पेपर की डिस्कशन, ताकि हमसे हमें ये पता चल जाए कि हमसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो मैंने पहले एक गलत कमेंट आपके सामने कर दिया कि 44 मार्क्स का प्योरली मेमोरी बेस्ड था। तो अब ऐसे ही एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सुने आप। क्वेश्चन नंबर 6, इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करती है उसका पर्पस क्या है? वो पर्पस लॉ में लिखा हुआ नहीं, उसने पूछा है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मैं जवाब देता हूं अभी। ऑल्सो ऑल्सो स्टेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल इशूइंग अ नोटिस टू द मेंबर्स इंटीमेटिंग अबाउट क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी जो मेंबर्स को नोटिस देती है कि हम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर को क्लोज करने जा रहे हैं, तो वो जो इंटीमेशन इत्तला देती है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? ओके अब आप सुने, ये प्योरली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। डिविडेंड उस शख्स को मिलता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो। अगर किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है, उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा। आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में, अब ब्रोकर आजाद शेयर्स खरीदते हैं, आज खरीदे एक दो दिन के बाद बेच देते हैं या उसी दिन बेच देते हैं। 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 1.25 पैसे का प्रॉफिट, 1.25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आमतौर पे ये होता है कि जब कंपनी की जनरल मीटिंग करीब होती है, तो अब जिसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हो इस नीयत से कि यार मैंने तो बेचने हैं, और बेच के मुझे अगर 25 पैसे का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, 50 पैसे का हो रहा है, 75 पैसे का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, तो मैंने तो अपना प्रॉफिट कमाना है और निकल जाना है। तो अब वो सोचता है कि यार जनरल मीटिंग करीब है, तो जब जनरल मीटिंग करीब है उसमें डिविडेंड भी अनाउंस होगा। डिविडेंड अनाउंस होगा तो लगे हाथों बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, डिविडेंड भी कलेक्ट कर लेते हैं, और डिविडेंड कलेक्ट करने के बाद ये शेयर्स हम बेच देंगे। तो इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं होता, ये तो डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के अंदर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना होता है। तो अब ये इस भागदौड़ में लग जाते हैं कि यार रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इनका नाम एंटर हो जाए, इनरोल हो जाए, चढ़ जाए। तो जनरल मीटिंग जब होती है तो उसके आसपास भरभार हो जाती है कंपनी के ऊपर। लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम आ जाए। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स उठाए होते हैं और उन्होंने फॉरन बेचने होते हैं ताकि उनको प्रॉफिट जनरेट हो सके, घर का दाल दलिया चल सके, लेकिन लगे हाथों वो डिविडेंड भी हासिल करना चाहते हैं। तो कंपनी लॉ ने ये देखा, तो ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये कंपनीज एक्ट 2017 में कहीं नहीं लिखी है। तो जब कंपनी के पास भरमार होती है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम भी एंटर किया जाए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के हवाले से, तो कंपनी लॉ ने उनको अलाउ किया, कंपनी को अलाउ किया कि ये 1 साल है, फाइनेंशियल ईयर है, 1 साल है, इसमें कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज भी कर सकती है। पूरे साल में जो क्लोज कर सकती है टोटल नंबर ऑफ डेज के लिए वो 30 डेज है। 5 दिन यहाँ पे, 7 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 12 दिन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल पूरे साल में 30 डेज के लिए क्लोज कर सकती है इन होल। कमीशन कंपनी की एप्लीकेशन पर ये 30 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर सकता है। तो जनरल मीटिंग से पहले कंपनी इसको क्लोज कर देती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, यानी जिस डेट को जनरल मीटिंग होती है उससे 20 दिन पहले कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज कर दिया, ताकि वो इस झमेले बखेड़े में ना पड़े कि जी ये रजिस्टर शेयर्स को हमारे नाम रजिस्टर कर लें और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हमारा नाम चढ़ा दें। कंपनी अब इस बात के ऊपर फोकस करती है, हमने जनरल मीटिंग कॉल करनी है, शेयर होल्डर्स जो कंपनी के प्रोपराइटर्स हैं उनको मुतमाइन करना है, उनकी क्वारीज के जवाब देने हैं, वहां मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पास करवानी है, और अगर ये एजीएम है तो उसमें रूटीन बिजनेस कॉन्डक्ट करना है। तो ये तो मैंने पर्पस बता दिया, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी अपने मेंबर्स को जो कि शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के प्रोपराइटर्स हैं, 7 डेज का नोटिस देगी। जिस डेट को कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर रही है उससे 7 डेज पहले मेंबर्स को नोटिस मिल जाना चाहिए कि यार 7 दिन के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज हो जाएगा। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक उर्दू न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश करेगी जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है।
अगर कंपनी ये काम करने में डिफॉल्ट करती है तो उसको पेनल्टी पे करनी होगी, जो सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौमी खजाने में जाएगी। ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके 6 मार्क्स थे। अब नीचे आते हैं एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, स्टेट एट सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। वो 8 सिचुएशन बताएं कि जब एक कंपनी को कोर्ट ऑफ लॉ वाइंड अप कर सकती है। जब कोर्ट ऑफ लॉ कंपनी को वाइंड अप करती है उसको कहते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मैं जस्ट हेडिंग पढ़ रहा हूं। कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने में डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिलीवर करने में डिफॉल्ट किया है, कंपनी 2 कंसेक्टिव एजीएम्स होल्ड करने में डिफॉल्ट कर गई है, कंपनी ने 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स में अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करवाए रजिस्ट्रार के पास, कंपनी की मेंबरशिप रिड्यूस होकर 3 से 2 हो गई है अगर ये पब्लिक कंपनी है, और ये कैफियत 180 डेज तक रहती है और 180 डेज के बाद भी रहती है, कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो डेट्स पे कर सके, उसका बेंचमार्क है, कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कंपनी प्रोहिबिटेड बिजनेस कर रही है, ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल, कंपनी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही जो कंपनीज एक्ट 2007 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पे कोर्ट ऑफ लॉ एक कंपनी को वाइंड अप कर सकती है, उसको कहते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। छपाई था, छपाई दे मार्क्स 4.5, इसके 8 मार्क्स थे, अनबिलीवेबल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A, पेइंग एजेंट की डेफिनेशन। पेइंग एजेंट की डेफिनेशन मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूं। इट मींस अ बैंक और एनी एंटिटी इंक्लूडिंग अ शेयर रजिस्ट्रार एंड अ सेंट्रल डिपॉजिटरी हैविंग द स्टेटस ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडेड, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अप्रूव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अपॉइंटेड बाय अ कंपनी फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ अ कैश डिविडेंड डायरेक्टली इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। सादा लफ्जों में आपकी आसानी के लिए, कंपनी ने एक ठेकेदार की सर्विसेज दायर की है जो वो शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड कैश की शक्ल में जमा करवाएगा, उस ठेकेदार को कहते हैं पेइंग एजेंट। पेइंग एजेंट, उसके बाद है मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड पे करने का मैनर, अ कंपनी में अपॉइंटेड शेयर रजिस्ट्रार और अ पेइंग एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पेबल इन कैश। तो शेयर रजिस्ट्रार एक ठेकेदार होता है, पेइंग एजेंट एंटिटी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, उसको अपॉइंट कर सकती है कि वो डिविडेंड कैश की शक्ल में पे करें। द बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ पेइंग एजेंट एंड मे इटसेल्फ एज्यूम्ड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एजेंट। अगर कंपनी ने बैंकिंग कंपनी अपने लिए पेइंग एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती, वो खुद पेइंग एजेंट के फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये 5 मार्क्स का था। उसके बाद है 8B, डिस्कस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने हेडिंग रीड आउट करता हूं। बोर्ड मीटिंग कॉन्डक्ट करवाने के मोड्स क्या हैं? यूजुअल फेस टू फेस बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बोर्ड मीटिंग बाय एनी अदर ऑडियो विजुअल मींस। इसका मतलब फेस टू फेस मीटिंग तो है ही है, उसके अलावा ये जो दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन का इंकलाब बरपा हुआ है, इसके जरिए भी बोर्ड की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि एक डायरेक्टर हो सकता है जापान में हो, एक अमेरिका में हो, एक लाहौर में हो, कराची में हो, एक इंग्लैंड में हो। लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम होगा 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 4, या तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर 12 डायरेक्टर्स हैं उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 4 व्हिच एवर इज ग्रेटर। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है, कोई डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मर गया है, इस वक्त जितने भी डायरेक्टर्स मौजूद हैं दे विल कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग दैट कैजुअल वैकेंसी।
लिस्टेड कंपनी के अलावा जो बकिया कंपनीज हैं उनकी बोर्ड की मीटिंग का कोरम क्या होगा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया गया होगा? पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में? एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। अगर इन रिक्वायरमेंट्स की कॉन्ट्रावेंशन होती है तो कंपनी और उसके कंपनी के डायरेक्टर्स और चेयरमैन को पेनल्टी पे करनी होगी। अच्छा भाई आगे आते हैं। लिस्ट एनी सिक्स मॉर्गेजेस विच मस्ट बी रजिस्टर्ड। कंपनी अपने एसेट्स अवामुन्नास के पास मॉर्गेज करवाकर अवामुन्नास से लोन लेती है, बैंकों से लोन लेती है। ये जो लोन लेती है अपने एसेट्स मॉर्गेज करवा के, इसको कंपनी लॉ की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि कंपनी ने अपने फला प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। तो जो चार्ज क्रिएट किया है, जो मॉर्गेज करवाया है, इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना होगा। तो कौन कौन से चार्जेस मॉर्गेजेस रजिस्टर करवाने होंगे मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट हुआ है कंपनी के, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट हुआ इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड, कंपनी का शिप एयरक्राफ्ट, कंपनी के गुडविल, कंपनी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपनी ने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेच के जरिए हासिल की है, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी हायर परचेज एग्रीमेंट के जरिए हासिल की है, लीज फाइनेंसिंग के जरिए हासिल की है, या किसी और मैकेनिज्म के जरिए हासिल की है। तो ये जो चार्जेस हैं ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने होंगे, उसके पास पर्टिकुलर्स पहुंचने चाहिए कि ये एसेट्स अवामुन्नास या बैंकों के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास मॉर्गेज करवा के लोन लिया गया और उसकी टर्म्स और कंडीशन और पर्टिकुलर्स ये हैं। छपाई उसके बाद आगे आते हैं। मॉर्गेज को जो रजिस्टर करवाना है उसके हवाले ड्यूटीज क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? और जैसे एक चार्ज क्रिएट होगा, मॉर्गेज क्रिएट होगा कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा लेने के लिए, कंपनी के ऊपर ये ड्यूटी आई होती है कि वो उसको रजिस्टर करवाए रजिस्ट्रार के पास। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवा रही तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन रजिस्टर करवा सकता है। वो इंटरेस्टेड पर्सन कौन होगा? जाहिर है वो शख्स होगा जिसने कंपनी को लोन दिया होगा और कंपनी ने उसके फेवर में अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया होगा। अगर ये चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सिक्योरिटी, ये चार्ज नल एंड वॉइड बन जाएगा। क्या मतलब? मसलन ये सामने बैंगलोर है, इसके ऊपर आपके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, आपने कंपनी को लोन दिया है, ना ही कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर करवाया और ना ही आपने इस चार्ज को रजिस्टर करवाया और ये कंपनी वन डे कम में चली गई। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी को लोन दिया वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, लेकिन चूंकि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ था, अगर चार्ज रजिस्टर हो जाता आप बन जाते सिक्योर्ड क्रेडिटर। वाइंडिंग अप में इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके जो रकम आती वो आपके हवाले की जाती, लेकिन चूंकि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ आपको इस चार्ज का, इस मॉर्गेज का, इस सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ट्रीट किए जाएंगे एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। वो जो कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी को कर्जा दिया वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, सिक्योरिटी का बेनिफिट से महरूम हो गए, चार्ज के बेनिफिट से महरूम हो गए, मॉर्गेज के बेनिफिट से महरूम हो गए, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है। कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो आप तो रजिस्टर करवा सकते थे। उसके बाद है ये कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी इसके ऊपर चार्ज और मॉर्गेज क्रिएट करती है, इसका एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। जो रजिस्टर मेंटेन करना होगा, कंपनी के मालकान, कंपनी के मालकान कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, वो उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी फी। तो उसमें उनको क्या दिखाई देना चाहिए? द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, जिस तारीख को ये चार्ज क्रिएट हुआ है, द अमाउंट सिक्योर्ड बाय इट, कंपनी ने इस प्रॉपर्टी की बेस पे बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, जनता से कितना लोन लिया है, शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसका हदूद अरबा उसके पर्टिकुलर्स, और द नेम्स ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू चार्ज, जिनके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए चार्ज क्रिएट हुआ है
मेंबर्स के पास ये राइट है कि विदाउट फी उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कोई और बंदा है जो कि मेंबर नहीं है, उसको एक फी पे करनी होगी। अगर कंपनी मेंबर को इंस्पेक्शन से इनकार कर देती है कि वो इस रजिस्टर की इंस्पेक्शन नहीं करवा रही, तो कंपनी के ऑफिसर जिसने इनकार किया है उसको पेनल्टी पे करनी होगी जो कौमी खजाने में जाएगी। हर वो ऑफिसर जो नोइंगली डिफॉल्ट का इनकार का मुर्तकिब हुआ है और जिसने ऑथराइज किया इनकार करने के लिए, वो भी पेनल्टी पे करेगा। और रजिस्ट्रार कंपनी को डायरेक्शन के जरिए कंपेल कर सकता है कि इस मेंबर को इंस्पेक्शन अलाउ की जाए। प्योरली छपाई रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मजेदार चीज नहीं है, क्लरिकल बातें हैं। ये भी हो गया रट्टे वाला। हस्ता ला विस्ता।